Filmmaker Dibakar Banerjee is presently shooting for Yash Raj Films, Detective Bomkesh Bakshi, starring Sushant Singh Rajput, and during his interaction with the media, he spoke about this detective film. The ace filmmaker Dibakar expressed why he chose to make a period film on Detective Bomkesh Bakshi and cast upcoming actor Sushant Singh Rajput in it. Dibakar even admitted that Sushant is more focused as compared to him. This movie, Detective Bomkesh Bakshi, is expected to release in February next year. मैंने एक्चुअली वो दूसरी फिल्मों का सोचा नहीं. मैंने मैंने 13-14 साल की उम्र में बोमकेश की सारी स्टोरीज पढ़ी और शरदिंदु बैनर्जी हैं जो बंगाल के बहुत बड़े राइटर हैं, तो उनकी कहानियाँ पढ़ता था मैं छुप छुपा के बचपन में. तो तब से मेरे दिल में ये इच्छा थी कि मेरे को दिखता था कि शरदिंदु बैनर्जी ने जिस तरह की कहानियाँ लिखी हैं बहुत सिनेमैटिक हैं. तो 16-17 साल की उम्र से मेरे दिमाग में था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा, ऐसा कुछ था, मतलब हवा में कुछ आइडिया था. तो उस टाइम से मैं सोचता था कि अगर ब्योमकेश बख्शी पे अगर हम एक डिटेक्टिव स्टोरी बनाएं, डिटेक्टिव तो है वो है ही, अगर ब्योमकेश बख्शी पे हम अगर फिल्म बनाएं तो भारत को अपना एक बहुत ही भारतीय डिटेक्टिव मिलेगा. क्योंकि हम जब भी कुछ डिटेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम बाहर की नकल कर देते हैं उसको, कभी शर्लक होम्स बना देते हैं, कभी जेम्स बॉन्ड बना देते हैं. लेकिन ब्योमकेश बख्शी एक ऐसा किरदार है जो लिखा ही गया था निहायत ही भारतीय, और एक ऐसे पीरियड में जब भारत और भी ज़्यादा भारतीय था. 40s में हम और ज़्यादा शायद हमारे रूट्स के साथ थोड़े से और हमारे लगाव थे. तो उस ज़माने में एक डिटेक्टिव जो अपने ज़माने से थोड़ा सा आगे भी चलता है. So friends, are you waiting eagerly to watch Detective Bomkesh Bakshi? Post in your comments below.